नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया को बड़ा आर्थिक नुकसान होने वाला है। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से देश और दुनिया को आर्थिक मंदी का भी सामना करना पड़ सकता है। कोरोना वायरस का गंभीर परिणाम देश के किसानों को भी भुगतना पड़ रहा है। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन का खामियाजा उन किसानों को भी भुगतना पड़ रहा है जिनकी पूरी खेती ही मजदूरों के भरोसे है। 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की। उसके बाद जो जहां पर था वहीं अटक गया। कुछ लोगों ने पैदल और रिक्शा से पलायन भी किया। 27 मार्च को लॉकडाउन के नियमों में संशोधन हुआ और कृषि कार्य को आवश्यक सेवाओं की सूची में शामिल किया गया, लेकिन शायद संशोधन करने में सरकार की ओर से देरी हो गई। इसी बीच दिल्ली, पंजाब, मुंबई और नागपुर जैसे शहरों में मजदूरी कर रहे मजदूर घबरा गए और गांव के लिए पलायन कर गए। मजदूरों के इस पलायन का सबसे बड़ा नुकसान किसानों को तो हो ही रहा है, जिनकी खेती मजदूरों के भरोसे थी। इस वक्त गेहूं की फसलें पक गई हैं और उन्हें काटने का वक्त निकला जा रहा है, लेकिन मजदूरों की कमी के कारण फसल खेत में बर्बाद हो रही है। आपको बता दें कि 27 मार्च के आदेश में लॉकडाउन से मुक्त होने वाली गतिविधियों में फसल की कटाई, कटाई की गई फसल की बाजार में आवाजाही, कस्टम हायरिंग केंद्र जो कि हार्वेस्टर और ट्रैक्टर जैसी मशीनरी किराए पर देते हैं और खाद, बीज और कीटनाशकों का निर्माण करते हैं वह शामिल है। हरियाणा में किसानों की मुश्किलें थमती नहीं दिख रही। कोरोना से निपटने के लिए हरियाणा की सीमाएं सील होने से अब किसानों को मजदूरों की चिंता सताने लगी है। फसल कट भी गई तो इन्हें मंडियों में कैसे पहुंचाएंगे, इसको लेकर उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। इस बार पूरे प्रदेश में 62.5 लाख एकड़ जमीन पर गेहूं बोया गया है। किसानों की फसल कटाई का पूरा दारोमदार पूरे प्रदेशों से आने वाले मजदूरों पर टिका है। हर साल गेहूं की कटाई के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार से लाखों मजदूर यहां पहुंचते हैं। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में पूरी तरह से लॉकडाउन है। इसके चलते ना तो बसें चल रही हैं, ना ही ट्रेन चल रही हैं। ऐसे में इन मजदूरों का हरियाणा में पहुंचना मुश्किल है। यही वजह है कि किसानों की नींद उड़ी हुई है। सरसों का रकबा कम होने के कारण किसानों ने जैसे तैसे स्थानीय मजदूरों की मदद से सरसों की कटाई तो कर ली है, लेकिन गेहूं की कटाई दूसरे प्रदेशों के मजदूरों की मदद के बगैर संभव नहीं है। यही वजह है कि प्रदेश में जो थोड़े बहुत मजदूर हैं, उनकी बुकिंग पहले ही शुरू हो गई है। इन मजदूरों के पास किसान दिन रात चक्कर लगा रहे हैं ताकि फसल कटाई के समय कुछ राहत मिले। मजदूरों के नहीं मिलने से किसानों के पास दूसरा विकल्प कंबाइन से गेहूं की कटाई का है। इसमें भी मुश्किल यह है कि प्रदेश में किसानों के पास कंबाइन मशीनें ना मात्र हैं। हर बार फसल सीजन में दूसरे राज्यों से कंबाइन मशीनें यहां पहुंचती हैं। राज्य की सीमाएं सील होने से हरियाणा में उनकी एंट्री मुश्किल हो। इसके अलावा कंबाइन से फसल कटवाने पर फाने जो कि गेहूं के अवशेष होते हैं वह खेतों में रह जाएंगे। किसानों द्वारा इसे जलाने की स्थिति में प्रदूषण का खतरा रहेगा। खासकर मंडियों में मजदूर नहीं मिलने से कई तरह की मुश्किलें सामने आ सकती हैं। मजदूरों की कमी से उठान और लदान का काम प्रभावित होना तय है। खेतों का हाल और मजदूरों का हाल जानने के लिए समाचार एक्सप्रेस की टीम करनाल के ऐसे क्षेत्र में पहुंची जहां गेहूं की फसल यानी धरती पुत्रों का सोना लहरा रहा है, लेकिन उन्हें काटने के लिए मजदूरों की कमी साफ नजर आ रही है। ऐसे में एक खेत में एक कंबाइन चलती हुई है। कंबाइन पर मौजूद तीन लोगों से बात करने पर उन्होंने बताया कि वह पिछले काफी दिनों से हरियाणा में रह रहे हैं। प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद वह आज काम पर है। वह पंजाब से यहाँ पर आए हैं। उन्होंने कंबाइन किस तरह से काम करती है इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। बातचीत के दौरान
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस बार मजदूरों की कमी के चलते किसानों को बेहद परेशानी आएगी, क्योंकि लॉकडाउन के चलते अब किसान भी घरों से बाहर नहीं आ रहे। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि पहले कंबाइन पर 5 व्यक्ति मौजूद रहते थे, लेकिन प्रशासन ने अब उन्हें 3 लोगों की अनुमति प्रदान की है, जिस कारण यहां पहले कंबाइन दिन रात चलती थी, उसके बाद अब केवल दिन में कंबाइन चला करेगी। पहले आप देखिए कंबाइन पर मौजूद लेबर ने क्या कुछ कहा। मैं तरुण मदान और हम इस समय मौजूद हैं करनाल के सेक्टर 32 स्थित नूर महल के बिल्कुल पीछे की तरफ, जहां पर खेत ही खेत हैं। मैं यहां इस समय आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से खेतों में फसल की कटाई का काम शुरू हो चुका है, और हमारे साथ एक कुछ लोग भी मौजूद हैं जो इस समय कंबाइन के साथ खड़े हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि एक लोग कहाँ से हैं, कैसे हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? बलबीर सिंह। ये कंबाइन आपकी अपनी है या? नहीं सर, हम तो चलाते हैं। हाँ जी सर, आप कहाँ से? हम तो पंजाब से हैं। सर, पंजाब से यहाँ तक आने में कितना दिन लग जाता है आपको? लग जाते दो तीन घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पे काम मिल रहा है करनाल में प्रॉपर आपको? हाँ जी, हाँ काम तो मिल रहा है जी। हाँ जी, हाँ मशीन तो इधर की है जी। हाँ, मशीन तो लोकल है। हम तो 12-13 तरीक के आए हुए हैं, परमिशन का कल लेके आए हैं भी, कनक काटने आए हैं। हम तो ड्राइवर हैं। तो आपको कल मिली है परमिशन? हाँ जी, है ना। तो अब तक कितना काम कर चुके हैं? अभी 3-4 किले का काटे हैं जी बस। हाँ जी। तो सर, ये जो मशीन का टैंक होता है वो कितने किलो में भर जाता है? सर, दो किलो में भर जाता है जी। 2 किलो में टैंक भर जाता है। तो अब किला काटने का रेट क्या? कंबाइन क्या रेट है? ये तो मालक नु पता जी। हाँ, 3,000 तो होगा जी। तो यहाँ पे अभी कितने दिन का काम होगा? यहाँ तो है जी डेढ़ महीने का काम तो है जी। महीने का काम है। तो इस दौरान ऐसे है ना, धीरे धीरे चल रहा है ना ये काम भी। किसी ने 2 किले कटा लिए, किसी ने 3 किले कटा लिए। अच्छा नहीं, अभी काम भग गया पूरा, धीरे धीरे काम चल रहा है। सर, जैसे आपको यहाँ पर एक महीने का काम है लगभग, तो इस दौरान रहेंगे कहाँ पे? सर, यहाँ जिसकी मशीन है उसके पास रहेंगे ना। सर, एक चीज़ और बताइए कि जैसे अब आपको पता लगा कि लॉकडाउन है या कोरोना बीमारी चल पड़ी, इसके चलते जो मजदूर हैं वो अपने अपने घरों को वापस लौट चुके हैं या फिर बेचारे रास्ते में रुके हुए हैं, क्या उनकी कमी का आपको लाभ मिलेगा? जी, उनका तो क्या लाभ मिलेगा, हम तो पहले के भी फंसे हुए हैं जी। हम तो देख लो जी, जब तो लॉकडाउन होया ना था, जब के फंसे हैं हम तो। इनका चेकअप हुआ का कल, हम तो यही हैं जी उस दिन के। कोई काम में कमी आई? कमी तो आई है जी, जदे हम रिपेयर करने आए थे, जदे कोई सामान नहीं मिला, कोई ये नहीं मिला, कोई बैरिंग नहीं मिला हमारे को। अब तो सरकार ने अनुमति दे दी है कि अगर ये वाला काम है तो इसकी दुकानें शाम तक खुलती हैं। जब तो खुल नहीं रहा था ना, जब तो कुछ भी अभी खोला है ना, अभी दुकान ये खुल रही है, ये परमिशन ले लेके खोल रहे हैं ना। देखिए, इनका कहना है कि ये इनको आए हुए काफ़ी दिन यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन इनको प्रशासन से कटाई की परमिशन कल ही मिली है, और कल परमिशन मिलने के बाद इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, और ये अपने घर से काफ़ी दूर यहाँ करनाल आए हुए हैं, पंजाब से हैं, ये पंजाब के रहने वाले हैं और करनाल में आए हुए हैं, लेकिन परिवार से काफ़ी दूर हैं। यह सारी स्थिति लॉकडाउन के चलते बनी है, और इनका ये भी कहना है कि काम है लेकिन आने वाले दिनों में देखा जाएगा। पीछे इनको बहुत पिछले दिनों जब ये यहाँ पर थे तब कोई काम नहीं था, काम ना होने की वजह से इनको परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा था, लेकिन जिसकी मशीन है उसके पास ये रह रहे थे, उन्होंने इनकी भरपूर मदद भी की है। आइए हम आपको किसी और जगह लेकर चलते हैं जहाँ पर आपको दिखाएंगे कि ये मशीन आखिरकार काम कैसे करती है, इनसे पूछने का प्रयास करते हैं। सर, एक चीज़ बताइए, मशीन काम कैसे करती है? मशीन तो काम तो ऐसी कटाई का कर रही है जी। काम हम काटते हैं चलाते हैं, तो इसकी बेल्ट है तो अंदर माल खींचती है तो काटती है। तो सर, अगर मान लीजिए कोई आपको 6 किले का एक इकट्ठा मिल जाता है जी, तो उसमें डीजल कितना लग जाता है? डीजल 1 घंटे में खा जाती है 8 लीटर। एक कंबाइन में कितने लोग रह सकते हैं, मतलब एक समय में कितने लोगों का ग्रुप होता है? हम 3 लोग हैं बस। हाँ, एक चलाने वाला और दूसरा हेल्पर है। नहीं, पहले तो ये था ना भी, इसमें 5 लोग होते थे, 2 ड्राइवर 2 हेल्पर। फिर अब ऐसे जो सकताई हो रही है ना,
इसलिए तीन है। नाम क्या बताया था? सतगुरु जी। ठीक है, सतगुरु जी ने हमें बताया कि जिस तरह से पहले एक कंबाइन पर 5 लोग हुआ करते थे, लेकिन अब प्रशासन ने मात्र 3 लोगों की परमिशन दी है, जिसके चलते इनको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ रही है। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी जी के साथ, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। इसके बाद समाचार एक्सप्रेस की टीम ने मजदूरों से बातचीत की जो कि फसल काट रहे थे। मजदूरों ने बताया कि वह मजबूरी में फसल काट रहे हैं। एक मजदूर ने बताया कि वह पेशे से प्लम्बर है, लेकिन लॉकडाउन के चलते अब काम नहीं मिल रहा है। मजबूरी में उन्हें अपना और परिवार का पेट पालने के लिए कटाई करनी पड़ रही है। एक अन्य मजदूर ने बताया कि वह एक निजी कंपनी में काम करता है, लेकिन कंपनी में छुट्टियां होने के कारण वह मजदूरी कर रहा है। एक किले की कटाई करने के बाद उन्हें 4 मन अनाज मिलता है और एक किले की कटाई में करीबन 3 दिन लग जाते हैं। ऐसे में यह अंदाजा सहज लगाया जा सकता है कि कैसे परिवार का पेट पालने के लिए लोग मजदूरी करने के लिए विवश है, क्योंकि मजदूरों को और कोई काम नहीं मिल रहा है। जब हमारी टीम कटाई कर रहे मजदूरों के पास पहुंची, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप यह भी सुनिए। मैं इस समय वहीं मौजूद हूं, मेरे आसपास खेती खेत हैं और इस समय मेरे साथ एक सज्जन जुड़ चुके हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर वो खेत में आराम जरूर कर रहे थे, लेकिन इनको मैंने बात करने के लिए उठाया है, इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले आपका नाम? गुरुदेव। गुरुदेव जी, आप क्या काम करते हैं? काम तो जी बस लिबर्टी में लोग। तो अब तो कंपनी भी बंद होगी, छुट्टियाँ हैं, तो इसके अलावा आप कटाई काम में? कटाई में लग रहा है, खाली थे। कहाँ के रहने वाले हैं गुरुदेव जी आप? तो सर एक चीज़ बताएंगे, कटाई के बदले आपको क्या मिलता है? 1 किले का अनाज मिलता है, 4 मन। आपको उसके बदले में कितनी कटाई करनी पड़ती है? 1 किले की। 1 किले का 4 मन मिलता है। और उस 1 किला काटने में लगभग कितना टाइम लग जाता होगा? लग जाए 3 दिन लगेगा 1 किला काटने। तो आपको सभी कितने दिनों का काम होगा? आपको तो है 4-5 दिन का बस। तो जी आप तो यहाँ चलो बूढ़ाखेड़ा से हैं, पहले यहाँ पर कभी प्रवास जो दूसरे इलाकों से लेबर भी आया करती थी, वो आजकल नहीं नजर आ रही, आपको पता है। तो सर उसकी कमी महसूस हो रही है? कमी आई, कुछ तो काट नहीं रहे लोग, बाहर निकलने रहे तो कुछ काट रहे हैं, ज़्यादातर अब की बार मशीनों भी कटवा रहे हैं ना। पर अगर एक चीज़ और बताइए, आप इस फील्ड से जुड़े भी हुए हैं, अगर परमात्मा ना करे अगर मौसम में बदलाव आ जाता है, बारिश आ जाती है, आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? थोड़ा 5-7 दिन लेट हो गई। लो हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? धर्मवीर जी। आप कहाँ के रहने? हाँ वो 4 मन अनाज। तो वैसे आप क्या काम करते हैं शुरू से? मजदूरी बस, प्लम्बर का काम है, वैसे प्लम्बर का काम करते हैं, पर अब खाली हैं तो सोचा भी चलो अनाज हो जाएगा थोड़ा बहुत खाने के लिए। ये देखिए, इन्होंने बताया कि कटाई के बदले इनको भी 4 मन अनाज मिलता है, 4 मन अनाज मिलता है, 1 किले कटाई में 4 मन अनाज इनको मिलता है। वैसे ये दिहाड़ी मजदूरी करते थे, लेकिन कोरोना के चलते सब कुछ फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति में अपने घर में राशन एकत्रित करने के अलावा और अपना पेट भरने के लिए इनको ये काम करना पड़ रहा है। और एक आपको जानकर रहने भी, 1 किला काटने में कम से कम 3 दिन का समय लग जाता है, जिसमें इनको धूप में, गर्मी में, बारिश में, और ये भी इन्होंने बताया कि अगर बारिश या कोई ऐसा मौसम करवट लेता है तो फसल लेट हो सकती है। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी जी के साथ, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। इसके बाद समाचार एक्सप्रेस की टीम ऐसे खेत में पहुंची जहां गेहूं कटी हुई थी और उनकी गठरियां भी पड़ी थी, लेकिन मजदूरों की कमी के चलते गठरियों का उत्थान नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि वहां हमारे कैमरे में एक ऐसा दृश्य कैद हुआ है जो वास्तविकता में लॉकडाउन के चलते पक्षियों की भी भूख को दर्शा रहा था। वहां एक खेत में तकरीबन 20 से 25 कबूतर एक ही स्थान पर एकत्रित होकर खेत में पड़े अनाज को चुग रहे थे। अनाज को चुगने के बाद जैसे ही कबूतर आकाश में उड़े तो कबूतरों का विगमन दृश्य जो कि देखने लायक था, वह भी हमारे कैमरे में कैद हो गया। इसे देखने के बाद अंदाजा हो गया कि कोरोना महामारी के चलते पशु और पक्षी भी भूख से पीड़ित थे, उनके सामने भी खाने की दिक्कत है।
इसलिए समाचार एक्सप्रेस टीम आप सभी लोगों से अपील करता है कि वह पक्षियों के लिए अपनी अपनी छतों पर पानी और दाने का इंतजाम करें, ताकि लोगों की भूख के साथ साथ इन बेजुबान पक्षियों की भूख भी मिट सके और इन्हें भी एक राहत भरी सांस मिल सके। देखिए हमारे संवाददाता तरुण मदान की एक विशेष रिपोर्ट। मैं एक बार फिर से तरुण मदान समाचार एक्सप्रेस के लिए, और मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे देखिए देखिए कि किस तरह से गेहूं की फसल कटी पड़ी है। इसकी गठड़ियां बनी हुई हैं, लेकिन उठान क्योंकि लेबर के द्वारा किया जाना है, इसके चलते ये अभी तक यहीं पर लाल पड़ी है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारे कैमरा पर्सन सनी चौधरी ने उसको कवर भी किया है, किस तरह से पक्षी अब खेतों में बैठे हैं क्योंकि लोगों द्वारा घरों की छतों पर अनाज नहीं रखा जा रहा, क्योंकि उनका बाजार बंद होने के कारण उनको पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए चारा और भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, इसलिए ये सारे पक्षी भी अब खेतों में बैठकर अपना पालन पोषण और अपना पेट भर रहे हैं। मैं तरुण मदान सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी जी के साथ समाचार एक्सप्रेस के लिए, धन्यवाद। समाचार एक्सप्रेस की आप सभी से अपील है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। इस वक्त आप सबके लिए सुरक्षित स्थान आपका घर ही है। आप अपने घर पर रहकर खुद को, अपने परिवार को, समाज को और समाज के साथ साथ पूरे देश को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए समाचार एक्सप्रेस की टीम आप सभी से यह अपील करती है कि आप सरकार के नियमों का पालन करें और अपने घर पर ही रहें। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।